Hello students, my name is Azhar Khan and welcome to my YouTube channel Khan Trickster. This is lecture number 7 of Puzzles Part 3, Comparison type of questions. So what's your job to tackle these type of questions? You have to analyze the whole information, then form a proper ascending and descending order and then answer the given questions accordingly. Matlab, आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी आपको एनालाइज करना है, देन उसको एक प्रॉपर सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है, वेदर इट विल बी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, देन आंसर द गिवन क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली, देन आपको जो क्वेश्चंस गिवन होंगे उस पर बेस्ड आपको उसके आंसर्स करने हैं. सो इस लेक्चर को हम कवर करेंगे 3 लेवल में. सो स्टार्ट करते हैं लेवल नंबर 1 पर. सो स्टार्ट करते हैं लेवल नंबर 1 से, विच इज़ द मोस्ट इजिएस्ट वन. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी सी डी एंड ई आर 5 फ्रेंड्स. A is shorter than B but taller than E. C is the tallest and D is shorter than B and taller than E. Who has 2 persons taller and 2 persons shorter than him or her? इसका मतलब जो arrangement है वो किसके accordingly दी हुई है आपको? Height के according उसने arrangement करने को बोला है आपको. क्यों? क्योंकि कुछ कोई tallest दिया हुआ है, कोई shorter दिया हुआ है, ठीक है. So by default मैं ले लेता हूँ descending order में, मैं इसको solve करूँगा. आप ascending में भी कर सकते हैं. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम करेंगे सो इसका मतलब लेफ्ट साइड पे हम क्या रखेंगे? टॉलेस्ट वन एंड राइट साइड पे शॉर्टेस्ट वन, ठीक है. सो इन्फॉर्मेशन अब देखते हैं. ए इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ई. ए जो है वो बी से छोटा है. सो बी यहाँ पर आएगा एंड ए यहाँ पर एंड देन बट टॉलर देन ई. इसका मतलब जो ए है वो टॉल है किससे? ई से. सो एक अरेंजमेंट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में दी हुई थी ये हमने अरेंजमेंट इसकी कर दी. देन सी इज़ द टॉलेस्ट. अब इसका मतलब जो 5 फ्रेंड्स हैं 1 2 3 4 5, जो सी है वो क्या है? टॉलेस्ट है. देन आगे पढ़ते हैं, डी इज शॉर्टर देन बी. डी जो है बी से छोटा है. इसका मतलब बी के राइट साइड पे आएगा डी, या तो यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है. सो देखिए तीन पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है, तो आपको तीनों पॉसिबिलिटीज़ राइट डाउन करनी पड़ेंगी. देन आगे जाके जैसे तीन पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, आगे जाके जैसे आप और इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे बाकी जो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो निगलेक्ट हो जाएंगी. जो करेक्ट वन है, जो सही ऑर्डर में अरेंजमेंट होगी उसका आगे जाके आपको पता चल जाएगा, देन वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है. जैसे डी शॉर्टर देन बी, मैंने यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी राइट डाउन कर दी, ठीक है. आगे की इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, एंड टॉलर देन ए. डी शॉर्टर देन बी एंड टॉलर देन ए. इसका मतलब डी जो है वो ए से टॉल है. डी जो है ए से टॉल है. इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? निगलेक्ट हो गए. ये वाली हमने करेक्ट रख लिया, ठीक है. अब ये चार थे बी डी ए ई, हम इसको यहाँ पर अरेंज कर देंगे बी डी ए ई, क्लियर है. तो ये हो गई हमारी अरेंजमेंट. अब क्वेश्चन क्या पूछा था? हु हैज़ 2 पर्सन टॉलर एंड 2 पर्सन शॉर्टर देन हिम और हर. इसका मतलब जो सेंटर का फ्रेंड है उसके बारे में आपसे पूछा गया है. सो डी विल बी द आंसर. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. चिल्ड्रन वर एडमिनिस्ट्रेड साइकोलॉजिकल टेस्ट टू नो देयर इंटेलेक्चुअल लेवल्स. इन द रिपोर्ट साइकोलॉजिस्ट पॉइंटेड आउट दैट द चाइल्ड इज लेस इंटेलिजेंट देन चाइल्ड बी, चाइल्ड सी इज लेस इंटेलिजेंट देन चाइल्ड डी, द चाइल्ड बी इज लेस इंटेलिजेंट देन सी एंड द चाइल्ड ए इज मोर इंटेलिजेंट देन द चाइल्ड ई. यू हैव टू फाइंड आउट विच चाइल्ड इज द मोस्ट इंटेलिजेंट. देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है. पजल्स में क्या होता है, जब लेंदी क्वेश्चन होता है तो उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती है. ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसका मतलब आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना. सो लेंथ देख कर इन क्वेश्चन की घबराना नहीं है. और ज़्यादा ईजी क्वेश्चन होते हैं जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है, क्लियर है. सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? साइकोलॉजिकल टेस्ट से कुछ बच्चों को साइकोलॉजिकल टेस्ट देना पड़ रहा है, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल्स पे उनको अरेंज करना है, ठीक है, जो उन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया है. सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से. इन्फॉर्मेशन, इन द रिपोर्ट साइकोलॉजिस्ट पॉइंटेड आउट दैट द चाइल्ड ए इज लेस इंटेलिजेंट देन बी. चाइल्ड ए इज लेस इंटेलिजेंट देन बी. तो अगर बी को मैं यहाँ पर अरेंज करूँ, यानी कि वो मोर इंटेलिजेंट है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है ए से, तो मैं इसको ऐसे अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है. देन चाइल्ड सी इज लेस इंटेलिजेंट देन द चाइल्ड डी. इसका मतलब डी क्या आएगा, एक साइड में हम रख लेते हैं, डी ज़्यादा इंटेलिजेंट है सी से, ठीक है. सो ये अलग इन्फॉर्मेशन होगी. क्यों अलग क्यों लिखा हमने? क्योंकि बी और ए और डी और सी का कोई लिंक नहीं है अभी. जब लिंक बनेगा तो हम इसको एक में अरेंज करेंगे. देन चाइल्ड सी इज लेस
इंटेलिजेंट देन द चाइल्ड डी हो गया, देन चाइल्ड बी इज लेस इंटेलिजेंट देन द चाइल्ड सी. बी इज लेस इंटेलिजेंट देन द चाइल्ड सी, इसका मतलब बी जो आएगा इसके राइट साइड में आ जाएगा सी के. बी और ए भी यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, क्यों बोला, क्यों हमने अरेंज किया है, क्योंकि यहाँ पर आप इसने लिंक दे दिया. देखिए सी का और बी का हमें यहाँ पर लिंक मिल गया, इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों को एक लाइन में अरेंज कर दिया. ठीक है, बी और सी का यहाँ पर हमें लिंक मिल गया. क्लियर है. अब यहाँ पर देखिए, एंड द चाइल्ड ए इज मोर इंटेलिजेंट देन द चाइल्ड ई, इसका मतलब ई कहाँ पर आएगा, एक्सट्रीम राइट पर. सो करेक्ट अरेंजमेंट क्या होगी हमारी, डी सी बी ए. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, इन एन एग्जामिनेशन राज गॉट मोर मार्क्स देन मुकेश बट नॉट एज मैनी एज प्रिया. प्रिया गॉट मोर मार्क्स देन गौरव एंड कविता. गौरव गॉट लेस मार्क्स देन मुकेश एंड हिज मार्क्स आर नॉट द लोएस्ट इन द ग्रुप. हु इज सेकेंड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स. सो यहाँ पर मार्क्स के अकॉर्डिंगली उनको अरेंज करना है, किनको, राज के जो नेम्स दिए हुए हैं. आप याद रखिएगा, जब भी बड़े बड़े नेम्स दिए होते हैं आप उनका सिर्फ फर्स्ट लेटर लिया करो. जैसे राज के लिए मैं लूँगा आर यूज़ करूँगा, मुकेश के लिए एम, प्रिया के लिए पी, गौरव के लिए जी एंड कविता के लिए के. सो यहाँ पर आपका टाइम बच जाता है, काफ़ी सेव हो जाता है अगर आप पूरा नाम लिखने बैठेंगे उसके सेकंड्स भी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काउंट होते हैं, रिमेंबर डैट. ठीक है, सो ये मैं अरेंज करूँगा इसका. अब यहाँ इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, राज गॉट मोर मार्क्स देन मुकेश. सो राज गॉट मोर मार्क्स देन मुकेश, इसका मतलब राज को मैं यहाँ रखूँगा मुकेश के लेफ्ट साइड पे. बट नॉट एज मैनी एज प्रिया, इसका मतलब राज के मार्क्स ज़्यादा तो हैं मुकेश के, बट प्रिया से ज़्यादा नहीं है. इसका मतलब पी लेफ्ट साइड पर आएगा, ठीक है, आर के. देन आगे, प्रिया गॉट मोर मार्क्स देन गौरव एंड कविता. अब प्रिया के मार्क्स ज़्यादा हैं गौरव और कविता से, इसका मतलब अगर ज़्यादा हैं तो राइट साइड, पी के राइट साइड पर गौरव और कविता आएंगे. सो जी एंड गौरव एंड कविता यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. देखिए अब पॉसिबिलिटीज़ हम लिख रहे हैं, यहाँ पर भी गौरव कविता आ सकते हैं, यहाँ पर भी आर और एम के बीच में, एंड एम के राइट साइड में भी जी एंड के यहाँ पर आ सकते हैं. आगे इन्फॉर्मेशन बढ़ते हैं, गौरव गॉट लेस मार्क्स देन मुकेश. गौरव गॉट लेस मार्क्स देन मुकेश, यहाँ पर क्या है, गौरव के मार्क्स किससे कम है, मुकेश से कम है. इसका मतलब मुकेश से कम है तो ये कैंसिल हो गया, गौरव कैंसिल हुआ है सिर्फ. ठीक है, कविता अभी भी यहाँ पर आ सकता है. ठीक है, कविता की अभी भी तीन पॉसिबिलिटीज हैं. आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, बट हिज मार्क्स आर नॉट द लोएस्ट इन द ग्रुप. इसका मतलब उसके मार्क्स लोएस्ट नहीं है, तो कविता क्या आएगी, जी तो हमारा यहाँ पर राइट साइड था बट इसके मार्क्स लोएस्ट नहीं है, तो कविता कहाँ पर आनी चाहिए, एक्सट्रीम राइट पर. सो दिस विल बी द करेक्ट अरेंजमेंट, पी आर एम जी के. सो क्वेश्चन क्या था, हु इज सेकेंड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स. सो सेकेंड कौन है डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, आर, आर विल बी द आंसर. तो चलते हैं लेवल नंबर टू पर, विच इज मॉडरेट लेवल. दिस इज क्वेश्चन नंबर वन ऑफ लेवल नंबर टू, मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में देखिए क्या होता है, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन जो होती है वो पॉइंट्स में होती है. अब पॉइंट्स को रीड आउट करके, इन्फॉर्मेशन एनालाइज करके आपको अरेंजमेंट करनी होती है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इस पे बेस्ड 2 से 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं. ठीक है, देन उसके आंसर आपको करने होते हैं आफ्टर अरेंजमेंट. सो देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. A blacksmith has 5 iron articles A, B, C, D and E, each having a different way. अब एक blacksmith है, 5 article हैं A, B, C, D and E, each having a different way. उसका weight अलग है, इसका मतलब अब arrangement किसकी करनी है आपको, way की करनी होगी. Information है, first information, A weighs twice as much as B. So A क्या है, double है B का. B weighs 4.5 times as much as C. इसका मतलब B जो है 4.5 times of C है. C weighs half as much as D. C weighs half as much as D. इसका मतलब हुआ कि D जो है वो 2 times of क्या है, C के है. D जो है 2 times of C है. Then D weighs half as much as E. इसका मतलब क्या हुआ, हाफ एज मच एज ई का मतलब क्या हुआ, जो ई है वो 2 times of क्या है, डी के. क्लियर है.
अब इसको देखिए अरेंज कर लेते हैं. लास्ट इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है ई वेज लेस देन ए बट मोर देन जी. सो लास्ट इन्फॉर्मेशन को का यूज़ करने से पहले हमको यहाँ पर अरेंजमेंट करनी पड़ेगी. ए इज़ टू टाइम्स ऑफ बी. इसका मतलब क्या है, ए बड़ा हुआ बी से. सो ए यहाँ आना चाहिए लेफ्ट साइड में. क्लियर है. बी फोर टाइम्स ऑफ सी है, फोर एंड हाफ टाइम्स ऑफ सी. इसका मतलब जो सी होगा राइट साइड पर आएगा बी के, फोर एंड हाफ टाइम्स है. ठीक है. थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या बोलती है, डी है ट्वाइस ऑफ सी, डबल है. ठीक है. सो डी जो है ट्वाइस ऑफ सी है. इसका मतलब डी जो होगा सी से बड़ा होगा. कितना बड़ा होगा, ट्वाइस ऑफ सी. देखिए यहाँ पर बी जो बड़ा था सी से फोर एंड हाफ टाइम्स था, और जो यहाँ पर डी है वो टू टाइम्स ऑफ सी से बड़ा है. इसका मतलब देखिए अगर सी को मैं वन, सी की वैल्यू वन मान लूँ तो क्या हो जाएगा, डी टू हो जाएगा एंड बी क्या हो जाएगा, फोर एंड हाफ. इसका मतलब ग्रेटर क्या हुआ, बी हुआ हमारा. सो डी को मैं यहाँ पर रख देता हूँ. क्लियर है इतना. देन लास्ट में देखिए फोर्थ में क्या है, ई टू टाइम्स ऑफ डी है. अब ई टू टाइम्स ऑफ डी है. अब देखिए यहाँ पर अगर मैंने सी को वन लिया था, यहाँ पर डी की वैल्यू टू आ गई. अब डी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर भी टू रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई की वैल्यू फोर हो जाएगी. अब देखिए ई की वैल्यू है फोर, बी की वैल्यू है फोर एंड हाफ, तो ग्रेटर क्या हुआ, बी हुआ. एंड ई किससे, ई छोटा हो जाएगा बी से. तो इसका मतलब बी और डी के बीच में क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए. क्लियर है. देखिए अब लास्ट इन्फॉर्मेशन हम रीड आउट कर लेते हैं. ई वेज लेस देन ए, ई वेज लेस देन ए आ रहा है, ये ठीक है. बट मोर देन सी, लेकिन सी से वो बड़ा है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है. तो इसका मतलब हमारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, ए बी ई डी सी. अब देखिए इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपसे पूछ लेगा हु इज द टॉलेस्ट वन, सॉरी हु टॉलेस्ट नहीं, यहाँ पर वेट की बात हो रही है. सो सबसे ज़्यादा वेट किसका है ये पूछ लेगा, ए का है. तो ये पूछ लेगा आपको सबसे कम किसका वेट है, तो आंसर सी हो जाएगा. ये पूछ लेंगे कि जो बी है उस वो कितनों से ज़्यादा वेट उसका ज़्यादा है, इसका मतलब कितना, आंसर क्या होगा, वन टू थ्री मेंबर्स. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू ऑफ लेवल नंबर टू. ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिक्स स्टूडेंट्स इन अ क्लास. बी एंड सी आर शॉर्टर देन एफ बट हैवियर देन ए. डी इज हैवियर देन बी एंड टॉलर देन सी. ई इज शॉर्टर देन डी बट टॉलर देन एफ. एफ इज हैवियर देन डी. ए इज शॉर्टर देन ई बट टॉलर देन एफ. इसका मतलब इस बार आपको दो चीज़ों में अरेंजमेंट करनी है, हाइट और वेट. प्रीवियस क्वेश्चन में कोई एक चीज़ आपको अरेंज करनी थी, इस बार एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें आपको अरेंज करनी है. तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए सबसे पहले एक को अरेंजमेंट, एक की अरेंजमेंट करनी चाहिए. सो यहाँ पर मैं पहले कर लेता हूँ हाइट की, उसके बाद वेट की करते हैं. ठीक है. सो इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर बी एंड सी आर शॉर्टर देन एफ बट हैवियर देन ए. हैवियर की बात बाद में करेंगे. सो बी एंड सी आर शॉर्टर देन एफ. सो बी एंड सी आर शॉर्टर देन एफ. ठीक है. बी और सी को साथ में लिखा है क्योंकि अभी ये नहीं पता कि बी और सी में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है. सो डी इज हैवियर देन बी एंड टॉलर देन सी. सो यहाँ पर हैवियर को रहने देते हैं. डी इज टॉलर देन सी. डी इज टॉलर देन सी. सो यहाँ पर हम सेपरेट लिख देते हैं क्योंकि अभी इसका लिंक हमें अरेंज करना है. सो ई इज शॉर्टर देन डी. ई इज शॉर्टर देन डी बट टॉलर देन एफ. ई यहाँ पर हमें लिंक मिल गया. देखिए एफ के साथ हमें लिंक मिल गया, तो हम इस वाली अरेंजमेंट में इसको अरेंज कर देते हैं. ई इज शॉर्टर देन डी बट टॉलर देन एफ. ई जो है टॉल है एफ से लेकिन छोटा है डी से. सो ये वाली अरेंजमेंट हो गई इतनी. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. ए इज शॉर्टर देन ई. ए इज शॉर्टर देन ई. इसका मतलब ए यहाँ पर आना चाहिए एंड टॉलर देन एफ. तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में आना चाहिए. सो पॉसिबिलिटी जो होगी हमारी दो बनेंगी. एक हो जाएगी डी ई ए एफ बी सी. ठीक है, एक तो ये अरेंजमेंट होगी और एक हो जाएगी डी ई ए एफ सी बी. तो ये इधर और वाली कंडीशन आ गई, या तो ये वाली अरेंजमेंट होगी या ये वाली. क्यों? तो ये होगी हमारी अरेंजमेंट ऑफ हाइट. अब करते हैं अरेंजमेंट ऑफ वेट. देखिए वेट के अकॉर्डिंग अब अरेंज करते हैं हम. वेट के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर गिवन है हमें बी एंड सी आर शॉर्टर देन एफ बट हैवियर देन ए. बी एंड सी आर हैवियर देन ए. बी एंड सी आर हैवियर देन ए. इसको ऐसा अरेंज कर देते हैं. देन यहाँ पर डी इज हैवियर देन बी. डी इज हैवियर देन बी.
डी इज हैवियर देन बी, इसको साइड में रख लेते हैं, एंड देन एफ इज हैवियर देन डी, एफ इज हैवियर देन डी, यहां पर इसको रख लेते हैं क्योंकि एफ जो है वो हैवियर है डी से, ठीक है। इन इंफॉर्मेशन से हमें अरेंज करना है एफ डी बी, एफ डी बी, एंड यहां पर हमें सी की अरेंजमेंट नहीं पता, बस इतना पता है कि बी और सी जो हैं एफ से छोटे हैं और ए से बड़े हैं, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। तो सी की पोजीशन हमारी कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं, सी को हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, एक यहाँ पर रख सकते हैं और एक यहाँ पर, इसका मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आएंगी वो आएंगी हमारी टोटल तीन, एफ, अगर यहाँ पर मैं सी को मानूँ एफ सी डी बी ए, एक अरेंजमेंट हो जाएगी, एक हो जाएगी एफ डी सी बी ए, और लास्ट वन एफ डी बी सी ए, ये तीन पॉसिबिलिटीज़ होंगी हमारी अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू वेट। सो अब चलते हैं लेवल नंबर थ्री पर, विच इज़ द डिफ़िकल्ट वन। तो चलते हैं लेवल नंबर थ्री डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर वन पर। देर आर सेवन स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी इन अ क्लास, ईच ऑफ देम हैज़ अ डिफरेंट फेवरेट सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशोलॉजी एंड फिलोसफी, ईच ऑफ द स्टूडेंट सिक्योर डिफरेंट मार्क्स इन एन एग्जाम। अब सी, तो चलते हैं लेवल नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर वन। देर आर सेवन स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी इन अ क्लास, ईच ऑफ देम हैज़ अ डिफरेंट फेवरेट सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशोलॉजी एंड फिलोसफी, ईच ऑफ द स्टूडेंट सिक्योर डिफरेंट मार्क्स इन एन एग्जाम। सी हैज सिक्योर्ड सेकेंड हाइएस्ट मार्क्स एंड नीदर इंग्लिश नॉर मैथ्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। ई सिक्योर्ड द लीस्ट मार्क्स एंड नीदर सोशोलॉजी नॉर मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ डी इज फिजिक्स एंड ही सिक्योर्ड मोर मार्क्स देन बी एंड जी बट लेस देन ई। द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ बी इज बायोलॉजी एंड हिज मार्क्स आर मोर देन द मार्क्स ऑफ ई बट लेस देन द मार्क्स ऑफ जी। द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ ए इज फिलोसफी। द स्टूडेंट हुज फेवरेट सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री गॉट द हाइएस्ट मार्क्स। अब देखिए मैंने ये क्वेश्चंस पूरा नरेट क्यों किया आपको, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितना समय लग गया मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ने में, तो मैं चाहता हूँ आप ये ऐसा बिल्कुल ना करें। पूरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, इतना लेंथी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपका सारा टाइम क्या होगा, 5 मिनट तो इसमें ही आपके वेस्ट हो जाएंगे। आपको क्या करना है, शुरुआत से ही उसको सिंप्लीफिकेशन करते चलना है, ठीक है, अरेंजमेंट करते चलना है उसकी। सेवन फ्रेंड्स हैं उसके, सेवन फ्रेंड्स हैं, हमने सेवन फ्रेंड्स को ऐसे सेवन डैश लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स गिवन है, सबके अलग अलग फेवरेट सब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट सिक्योर डिफरेंट मार्क्स इन एन एग्जाम। सी हैज सिक्योर्ड सेकेंड हाइएस्ट मार्क्स, सी हैज सिक्योर्ड सेकेंड हाइएस्ट मार्क्स यहाँ पर लिख देते हैं हम, एंड नीदर इंग्लिश नॉर मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। इंग्लिश और मैथ्स उसके फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एंड मैथ सी के फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये कर लिया, ई सिक्योर द लीस मार्क्स एंड नीदर सोशोलॉजी नॉर मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। ई ने क्या है, लीस मार्क्स सिक्योर किए हैं, सो लीस मार्क्स यहाँ पर आएंगे, और ना इसके कौन से फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, सोशोलॉजी एंड मैथ्स, सो सोशोलॉजी एंड मैथ्स यहाँ पर हम कर देते हैं क्रॉस, ठीक है। देन यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ डी इज फिजिक्स। अब क्या हमें लोकेशन पता नहीं है डी की, तो हम इसको सेपरेट लेके चलते हैं। डी का फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स, यहाँ नोट डाउन कर लिया अलग से, एंड ही सिक्योर्ड मोर मार्क्स देन बी एंड जी। बी और जी से इसके मार्क्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, बट लेस देन ए, लेकिन ए से कम है, क्लियर है, ए से कम है। यहाँ पर यहाँ तक हो गया अब हमारा, आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ बी इज़ बायोलॉजी, तो बी का फेवरेट सब्जेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर, नोट डाउन कर देते हैं, बायोलॉजी है। एंड हिज मार्क्स आर मोर देन द मार्क्स ऑफ ई, बी के मार्क्स ज़्यादा हैं ई से, इसका मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा है क्योंकि लीस्ट ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है ई के, सो ई मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब बी और जी में कन्फ्यूजन है, जी की पोजिशन क्या होगी, फेवरेट सब्जेक्ट बट लेस देन द मार्क्स ऑफ जी, इसका मतलब बी के मार्क्स कम है जी से, तो जी कहाँ आना चाहिए, इस साइड पर, क्लियर है। सो ए डी जी बी ई अरेंजमेंट हमें अभी हम करेंगे, देखते हैं।
आगे पढ़ते हैं इसको. द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ ए इज फिलॉसफी दिया हुआ है. ए का फेवरेट सब्जेक्ट है फिलॉसफी. द स्टूडेंट हुज फेवरेट सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री गॉट द हाइएस्ट मार्क्स. जिसके हाइएस्ट मार्क्स आए हैं उसका फेवरेट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री. तो अब इनकी ए डी जी बी की मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ. ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज हो चुके हैं. ए डी जी बी इनके फेवरेट सब्जेक्ट हम लिख देते हैं. बी का है बायोलॉजी. जी का फेवरेट अभी हमें नहीं पता. डी का है फिजिक्स. ए का फेवरेट सब्जेक्ट है फिलॉसफी. क्लियर है? अब देखिए इसमें एफ बचा तो एफ हमारा कहां पर आएगा? जिसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री है. ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें इंग्लिश मैथ्स, सोशियोलॉजी मैथ्स. ठीक है, तो मैथ्स इन दोनों का फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है. तो मैथ्स किसका फेवरेट सब्जेक्ट होगा? जी का. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सोशियोलॉजी ई का फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है. तो सोशियोलॉजी किसका फेवरेट सब्जेक्ट होगा? सी का. एंड इंग्लिश इसका फेवरेट नहीं है तो इंग्लिश किसका होगा? ई का. तो ये होगी हमारी कंप्लीट अरेंजमेंट. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं. पजल्स ये होते हैं डिफिकल्ट वन. इनमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है लेकिन इस पे बेस्ड जो आगे आपको 3 से 4-5 क्वेश्चन भी कभी कभी मिलते हैं वो विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाते हैं अगर आप एक बार ये अरेंजमेंट कर लो तो. ठीक है, आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी. और ऐसी और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको ज़रूर मिलते रहें. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.